दिन तक लगातार दरबार लगाया जाएगा। कल परसों नरसों 15 तारीख तक दरबार लगा के प्रेतराज सरकार का। फिर हम यहाँ से जाएंगे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने। देखो घर पर किया हुआ पाप गुरु के चरणों में तीर्थ में कट जाता है, लेकिन तीर्थ में या गुरु के चरणों में किया हुआ पाप अगर तुम करोगे तो वो कहाँ कटेगा। फिर से सुनो, घर पर पाप करो गुरु जी के पास आ जाओ, तीर्थ स्थल में चले जाओ, स्नान करो, दान करो, ध्यान करो, कट जाएगा। लेकिन अगर तीर्थ में ही पाप किया कहाँ कटेगा। गंगा ही अगर आप पवित्र हो जाए तो फिर पवित्र कौन करेगा। तो उपाय क्या है, संकेत समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कम से कम एक घर डायन छोड़ देती है। बागेश्वर धाम पर जब तक रहो तब तक नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो। यहाँ तुम चाय फुरकने नहीं आए हो, आए परे चाय फुरकी, थोड़ा भोजन लिया, थोड़ा समोसा के चटकारे खाए और घरे जाके बता दिया हम तो पेशी कर आए। तुम पेशी कर आए कि मजे करने आए। पेशी का मतलब जब तक तुम दरबार में रहो, धाम पर रहो, तीर्थ ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये कोई धाम साधारण नहीं है। ये कलिकाल में हनुमान जी के प्रत्यक्ष बैठने का स्थान श्री बागेश्वर धाम है, जहाँ सन्यासी बाबा ने अपनी तपस्या के बल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया, जहाँ दादा गुरु जी ने तप किया, जहाँ भारत के सब संतों ने दर्शन किया, शंकराचार्य जैसे भगवान की विभूतियाँ तीन तीन दिन तक जहाँ बैठे रहे, ये वो भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, संत की भूमि है और भगवंत की भूमि है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। इसीलिए अच्छा एक और हम एक दो महीना से एक बात बोल रहे, फिर से बोले दे रहे, तुम ये मत बताया करो कि हम 5 बार आ गए, 11 बार आ, तुम आ नहीं गए, बुलाया गए, और हमने नहीं बुलाया है कि तो हमारे ऊपर है भाई यार करो। खटली के बने सीटी बजा रहा, मैं सीटी से बहुत नफरत है, नखट बहुत नफरत, हम नचनारी हैं, आगे बोलो मूसर चल। हाँ तो आप ये मत कहा करो कि आप आए, हम आए गुरु जी, हम इतनी बार आए गुरु जी, हम इतने बार से ठटली के बने। अरे तुम आए नहीं हो, बालाजी ने तुमको बुलाया है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग हर महीने, लगभग 4-5 लाख लोग से ज्यादा तो हो ही जाते हैं, लेकिन आते हैं सब टिक नहीं पाते। यहाँ टिक वही पाता है जिनका बालाजी से नाता जुड़ जाता है, इनका वही हो पाता जिन्हें बालाजी चुनते हैं। सबको नहीं चुनते हैं वो, किसी किसी को चुनते हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बाकी तो ऐसा गरीब, तुम्हारी परेशानी की बात हम मानते हैं, तुम परेशान हो, हमें ये भी पता है कि तुम भक्ति के चक्कर में नहीं आए, तुम तो चमत्कार के चक्कर में आए। हमें ये भी पता है कि तुम तो पर्चा खुलवाने आए, तुम्हें प्रवचन से भी कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग तो गाली बक रहे हैं, प्रवचन बंद करो, पर्चा बनाओ, हमारे बाप का नाम बताओ। हमें ये पता है, हम जानते हैं, पर हाँ तुम अपने काम से आए, हम अपने काम से आए हैं पृथ्वी पर। तुम धाम पर अपने काम से आए, हम अपने काम से पृथ्वी पर आए हैं। तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है। हमारा काम है भक्तों को जगाना, हिंदुओं को जगाना और उनके अंदर हनुमान जी की भक्ति को स्थापित करना। इसलिए तो हम एक बात बोलते हैं, इस भारत भूमि में आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, पिछड़ी। अच्छा दरबार लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हें लगाना सीखना हो तो हम सिखा देते, बस कोई आए 4-5 बातें बोलिए, कमाते बहुत, अब रुकता नहीं है।
वो तो सबके साथ, कोई दूसरे आए हाँ, तुम्हारे अपने लोग टांग बहुत खींचते, पड़ोसी तो पाकिस्तान वालों को क्या लेना देना। तीसरी बात बोल दिया, 99% काम हो जाता है, 1% रह जाता है वो तो हमारा भी हो जाए। अरे भाई ये बातें बनाने से दरबार नहीं होता है और मन की बात बता देने से भी कल्याण नहीं होता है। हमने जो हनुमान जी की कृपा चूरन चटनी जो हमारे पास है, प्रसाद सिद्धि, तो उसे तुम जो भी नाम दे। कई लोग कहते हैं कि बाबा जी के कान में बोलता है, हमें बड़ी हंसी आती है, आज तक हमारे कान में कोई बोला नहीं है, कोई बोले। कई लोगों को लगता कोई इन्हें बताता है, सामने देवता बैठता है, हमारे पास कोई ऐसा देवता नहीं है, हमारे पास तो हनुमान जी का प्रसाद है, जो वो हमें प्रेरणा देते हैं वो हम कह देते हैं, वही हनुमान जी के बल पर सत्य निकलता है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निधि के, और हमारे दादाजी के गुरुजी श्री सन्यासी बाबा इनको हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार, इसी धाम पर। कहा पंडित जी मांगो, हमारे सन्यासी बाबा बोले हमें जन कल्याण का आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी ने कहा जाओ, आज से हम इसी मूर्ति में यहीं बैठेंगे, कलिकाल में कलयुग में हमें कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा, कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा, तो छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के इस गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा। जो भी यहाँ आएगा वो झोली भर कर लेकर के जाएगा। हनुमान जी महाराज ने उनको महिमा नाम की सिद्धि दी, कौन सी सिद्धि? महिमा। वही सिद्धि हमारे दादा गुरु जी को, सन्यासी बाबा ने उनको दी। हम तो मूर्ख नालायक, हम तो कुछ जानते मानते हैं नहीं, अनपढ़ गवार पापी जीव हैं, लेकिन गुरु जी का जो प्रसाद है उस पल पर हम जब भी उनकी सेवा में बैठते हैं तब एक प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु जी, हे बालाजी, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए पर जो दरबार में आए उसका काम सफल हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। आज 16 साल की यात्रा हो गई हमारी, लाखों लोग धाम पर आ रहे हैं, भैया आज तक हमारी आंखों देखा प्रमाण है, लाखों लोग रोते हुए आए और यहाँ से हंसते हुए गए, खाली झोली लेकर आए, झोली भर कर ले। हाँ कोई नियम का पालन ना करे, 6 दिन पिए पपुआ, अबे मंगलवार को आके करे जय हनुमान जी, हम सागर भूत पिशाच निकट लेंगे, ठटरी के बरे न कटा। क्या हनुमान जी घर के अंकल है? हैं? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, नियम का पालन, पेशी, जो भी भक्त नियम का पालन कर। अच्छा पेशी लगातार नहीं करना, रुक रुक के, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब तुम्हें टाइम मिले, बाहर रहते हो 6 महीने में भी एक बार पेशी का नियम कर लो। हाँ लेकिन पेशी में गिनती मत करो, बहुत से लोग गिनती कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यहाँ जितने बैठे 99% लोग गिनती करते, 1 हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 11 हो गई। अरे भाई गिनती से काम नहीं होना है, बिनती से काम होना है। हाँ ये तय है कि कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी जहाँ विराजमान है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। नियम का पालन ना करो, पेशी ना करो तो हनुमान जी ने तुम्हारा कर्जा ले रखा है, है? भाई नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, और बालाजी का जो बल है, अब क्या कहना बालाजी के बल का। पहले हम भारत में दरबार लगाते थे, लोग कहते थे अनपढ़ों का देश है, कुछ भी बता सकते हो, यहाँ तो अंधविश्वास ही है। जब लंदन की संसद में भी हनुमान जी का बंधन हुआ तब अंग्रेज भी सारे हाउ डू यू करने वाले चौंक गए, उनकी भी ठठरी बढ़ गई है। और अभी तो बालाजी ने हमें दुबई भेज दिया, समझ जाओ बोलने की आवश्यकता। जय सियाराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जय श्री राम, और जोर से बोलो, जय श्री राम।
नागेश्वर बालाजी अद्भुत हैं और देवता हनुमत से हनुमान जी सब सुख देते हैं। उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। भगवान के घर देर है, अंधेर वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। और दो तीन चर्चा करके हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, तो हमें बेसी चढ़ाना है। शाम के समय हम 6 बजे आएंगे तो आपको समय बता देंगे कल के दरबार का, जैसा मूड बनेगा सो शाम को बताएंगे। मूड की बात है, अभी तो हमारा बुढ़ापा चल रहा है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बुढ़ापे का शरीर है। कथा करना 6-7 घंटा, फिर 3-4 घंटा कार से चल के आना, शरीर वैसे ही हो जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे हम हिडोला में बैठे हैं। लेकिन ठीक है, बुढ़ापा भले ही है, जब तक तन में प्राण है तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहे। ये तो हम भगवान नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम तो उनके चरणों के चाकर हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, इतना जानते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है अब वो हमारे बालाजी की है। लेकिन तुम तो इनके चरण पकड़ लो। किसके चरण? जोर से बोलो, हमारा पीछा छोड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हमें तो बड़ी मुसीबत हो गई, अच्छी खासी हम कथा करते थे, कहां से दरबार में फंस गए। बताने वाला बता के भग जाता है, हम फंस जाते हैं। तो हमारे चरण मत पकड़ना ही है, जिनसे हम जुड़े तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरण। बड़े दयालु हैं, इनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ तुम भी इनके दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे। थोड़ा घेर लो, नाम जप करो, घर पर भी कम से कम 1.25 घंटे सीताराम हनुमान का कीर्तन करो। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, बहुत जगह भटक लिया, देखो तुम परेशान पता है क्यों? पूछो क्यों? पूछो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि भटक रहे। 4 डॉक्टरों से ऑपरेशन करवाने वाले का घाव फट जाता है, जुड़ता नहीं है, ऑपरेशन एक ही जगह करवाना चाहिए। तो तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम भटक रहे हो, और भटकना नहीं अटकना चाहिए। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। उसी प्रकार सच्चा साधक, सच्चा भक्त भी वही कहलाता जो अपने आराध्य के चरणों में ही डूबा रहे। बोलो जय सियाराम। तो आप भटक रहे इसलिए हैरान हो, अटको किसके चरणों में? बालाजी के, क्योंकि कलयुग में तो हनुमान जी महाराज ही एकमात्र देवता है जिनके समान कोई दूसरा देवता, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की गली नहीं। इसलिए आप हनुमान जी के चरण पकड़ो। कोई बीमार है, नारियल बांधो धान का, कटोरी में गंगा जल लो। हम एक चौपाई बता देते हैं, बड़ी पावरफुल है, उसको 108 बार बोलो। नास रोग इस चौपाई को 108 बार बोलकर भूख लगाकर अमुक बीमार रोगी को पिला दो, धाम की देसी करना प्रारंभ कर दो, भले ही पर्चा ना बने पर जाओ तुम्हारी जय जय हो जाएगी। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें पर्चा को ही देखना है। पर्चा से चमत्कार नहीं होता। अच्छा, अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो मशीन पर्चा छापने वाली है वो ना पूजी जाती। पर्चा से चमत्कार नहीं होता, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। क्योंकि हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धि अश्वर दीन है,
जाने की माता। नौलिया है, इसलिए हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। तो जिस बागेश्वर धाम पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया है, उनके 46,000 सिद्ध है जो 2400 घंटे विचरण करते हैं, और तुम धाम के प्रांगण में आ गए, मतलब तुम्हारा स्कैन हो गए। हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम को दिखाई पड़ रहे। भाई एक लड़का हमें मिला, इनके जैसा पढ़ा लिखा था, एक लड़का हमें मिला, गुरु जी हम तो देखने प्रैक्टिकल पे ही भरोसा करते, बाकी भरोसा नहीं करते हैं। हमने धीरे से कहा, अमेरिका गए हो? बोले नहीं। हम कभी अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? तुम अगर अमेरिका नहीं गए हो तो क्या अमेरिका नहीं है? हमने उनसे पूछा, क्यों, हवा देखी तुमने? बोले नहीं देखी नहीं है, पर होती है। हमका कैसे पता? बोले अनुभव है, महसूस होती है। हमने कहा बस उसी प्रकार जैसे हवा होती है, दिखती नहीं महसूस होती, वैसी शक्तियां भी है, होती है दिखती नहीं है, पर महसूस अनुभव की जा सकती है। शक्तियां भी अनुभव का विषय है, जैसे हवा अनुभव का विषय। अब किसी से कहा जाए बताओ हवा की नाक, अरे भैया अरे अरे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जवानी मत दिखा ठटरी के बारे। यार शांत खड़े रहो, बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा अंतिम चर्चा, आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? जोर से बोलो एक का, प्रत्येक का। कौन कौन चाहता हाथ उठा, कच्चा की पक्का, रोश में कि होश में, दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? कहीं बैठा कर रोगी को बैठ जाए, पक्का जोर से बोलो। चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी तीन बातें मानोगे हैं? मानोगे मानोगे मानोगे? पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक मूर्ख आदमी है, पापी जीव आदमी है, मां नालायक गवार है, हमारी कोई मेहमानी, हम तो उनके चरणों के छोटे से चाकर हैं। अगर तुम्हें पढ़ना ही है, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठगली बार दे, जिनके बल पर हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए घर से निकले हैं, तुम भी ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाए। दूसरी बात, तीन बातों में, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो, हाथ जोड़कर अपने अतीत को याद करके, स्मरण करके कह दिया करो, आज से हमें भटकाना मत, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। पूछो परिणाम क्या होगा, पूछो पूछो फल क्या मिलेगा। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। तुम्हें अनुभव भी होंगे, और तुम जहां जहां जाओगे झंडा फतेह फतेह करके आओगे। जब जब विपत्ति आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि विपत्ति नहीं आएगी, आएगी तो, पर लड़ने की क्षमता तुम्हारी कई गुनी बढ़ जाएगी। बोलो जय सियाराम। बागेश्वर धाम पर नियम की महिमा है, बालाजी की महिमा है। हाँ ये भी तय है, जाओ तुम्हारी अर्जी लगेगी, और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देगी। और हम भले ही ना मिल पाए, हम ऐसा नहीं है कि मिलने की कोशिश नहीं करते, अब घंटे तो 24 ही है। अब कई लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, 3-3 साल से आ रहे हैं, कई लोग 4-4 साल से आ रहे हैं, मिल नहीं पा रहे। अगर उन्हें ना मिले तो उनको अलग जो है तरबूज से फट जाने दिमाग है। हमारे सामने तो बड़ी मुसीबत है, और कुछ लोग 4 दिन पहले आए, और हम बुरा ना मानना, एक बात बोले, यहाँ पर सपोर्ट लगा के मत आया कर। अमीरों के तो लाखों गुरु,
उनका कौन है जो कर्जा उठा करके उधार करके लेकर के आते हैं, पैदल चल करके आते हैं? उनके तो केवल बागेश्वर बालाजी हैं। ऐसे तो कई धाम हैं जिनके पास पैसा है, धन है, रुपया है, वो तो कई जगहों पर आशीर्वाद ले लेते, गुरुजी मिल जाते उनको। पर उनका कौन है जिनके जिनके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके कोई साथ में नहीं खड़ा है, जो दर दर धक्के खा चुके हैं, उनका कौन है? उनके तो अकेले केवल बागेश्वर बालाजी हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अगर धाम पर आ रहे हो तो तीन चीजें ध्यान रखना। एक, अगर तुम अमीर आदमी हो, भगवान करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत पैसा वाले हैं, दान देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, बाबा जी हमको VIP ट्रीटमेंट देंगे, तो तुम अपनी छटली बढ़ाओ। ना हमें चाहिए, बाहर में गया हम कर्जा लेके काम चला लेंगे, हम कथा कर लेते हैं, कथा से हमें मिल जाता है, हमारा भंडारा चल जाता है, हमें चिंता नहीं है, हमारी चिंता बाबा जी करते हैं। इसी चक्कर में हम कथा करते हैं कि बाहर में गया हमें किसी के लिए सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, ताकि भंडारा चलता रहे, भंडारे में रोक ना लगे, गरीब बेटियों का विवाह होता रहे, उनमें रुकावट ना लगे, आगे कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। लेकिन अगर आप अमीर हो, सोचो हम दान दें तो मिलेंगे, और मिलने के नाम पर आप दान दें तो तुम अपनी ठटली भराओ, हमारे तौल का भी दे देना, तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, उल्टा ठटली और भरेंगे। दूसरा, तुम किसी पद पर बैठे हो, हाँ प्रेम से आओगे तो मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, भक्त बनकर आओ, सेवादार बनकर आओ, सेवा करो, सेवा करने के बाद हम मिलेंगे। अब तुम किसी बहुत बड़े पद पे बैठे हो, ईश्वर करे तुम इंद्र के ग्रैंड फादर बन जाओ, इंद्र के सबसे बड़ा पद इंद्र का है, उसके भी ग्रैंड फादर, और तुम सोचो कि बड़े पद के प्रभाव में मिलने तो तुम अपनी छठी पर दो बार। अरे आप तो पद में है, आपका तो कद है, पर जो ट्रेनों में धक्के खाते हुए आते, ऑटो पर लटक कर आते, बसों में धक्के खाते आते, यहाँ पर भी धूप में बैठे रहते, उनका कौन है? उनकी तरफ किसकी नजर है? इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तीसरी शर्त हमारी, यहाँ सपोर्ट भी मत लगाया करो, कुछ लोग सेवादारों की सपोर्ट, इसकी सपोर्ट, सपोर्ट से हम मिल सकते हैं, बालाजी कृपा नहीं कर सकते, वो तो भक्ति से ही मिलेंगे। इसलिए राम नाम का जप करो, और सब लोगों को जितने लोग बैठे हैं हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। हम एक बात बोल सकते हैं बालाजी के बल पर, अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में हम बोल रहे हैं, बड़े भाव पूर्वक, भैया वर्तमान समय में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों का सामना करने की किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत, जो हमने पाया, जो हमने समझा, तय का बीच में मिस कॉल सी मार लो, बैठ जाना खत्म, हर में ऊंचे खेत का बिजू का जैसा खड़ा हो गया, जैसे एम्पायर ना हो, क्रिकेट चल रहा हो, सीताराम जोर से बोलो, और आपको धाम पर हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, बड़े आदमी हो हमें दे सकते हो, हम पचा लेंगे, अपना मकान फ्लैट बंगला सोना चांदी बैंक की FD खुल्ला रुपया बंदी रुपया लुगाई लड़का छोड़ के हम सब पचा सकते। अभी हम रोटी पूरी सब्जी खवा रहे, 2-4-5 crore आएंगे, बढ़िया रबड़ी माल पुआ रसगुल्ला चकाचक खवाएंगे, घटे रामदास को बढ़े रामदास को। अभी 151 बेटियों का विवाह, 251 का 4-5 crore आएंगे, बढ़िया 20-25 hazaar बेटियों का विवाह करवा रहे, हमारा क्या जाता है? लेकिन मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, जानकारी कार्यालय से लेना है, सूचना भी कार्यालय से लेना है, पितृ पक्ष में हम गया जी जाएंगे, कल निर्णय हो गया है, इस बार के पितृ पक्ष में हम गया जी जाएंगे, अगर आपको भी चलना हो पितरों के लिए मूल भागवत के पारायण के लिए चल सकते हो, आज पुरानी पेशी है, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर शाम को निकलेंगे, क्योंकि टोकन नंबर वाले बैठे हैं, पर्चा चढ़ाना है पुरानी पेशी का,
शाम को हम 6 बजे निकलेंगे, आज्ञा ले लेंगे। अगर बालाजी की और सन्यासी बाबा की आज्ञा लगेगी तो 1-1.5 घंटे का दिव्य दरबार लगा देंगे। हैं तो थके हुए, सोने का मन है, लेकिन हम रात को सो लेंगे, देखा जाएगा। अरे भैया, रे भैया, भारी गर्दा मचो। बागेश्वर धाम की। अच्छा एक बात बताओ, अब बागेश्वर धाम बदला हुआ लग रहा कि नहीं? कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। अब अन्नपूर्णा भी हमने बदलवा दी, बस थोड़ा काम रह गया पानी भर का वहां। अब जो टीन सेड है ना, वहीं पे भंडारा होगा, सबको बैठार करके होगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत, आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः, दादा गुरुवे नमः। मनी मन प्रणाम बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। उज बात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक रटूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं